चाय के नाम पर कभी कभी आप और हम छोटी छोटी शर्तें लगाते हैं और कहीं पर बड़े बड़े देश चाय के नाम पर करोड़ों का व्यापार कर लेते हैं। लगभग 18वीं शताब्दी में बोस्टन में ब्रिटेन ने जब चाय के ऊपर टैक्स लगाया था तो एक रेवोल्यूशन हो गया था, एक क्रांति आ गई थी और चाय को उठाकर पानी में फेंक दिया गया था। लेकिन आप और हम तो टी टाइम में चाय का मजा लूटने आते हैं। देखिए ना, एक प्याली चाय, कुछ स्नैक्स, ढेर सारी बातें, मान लीजिए हमने दुनिया जीत ली। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सेठी और टी टाइम में आप सबका स्वागत है। हम बनाते हैं आपके साथ मिलकर आज ये मूंग दाल के लड्डू। इसके लिए मैंने ये दाल पहले ही भिगो के रखी हुई है। इसको आप भिगो लीजिए और उसको हम पीस लेंगे। वैसे मेरे पास ये पीसी हुई दाल पहले से ही है, तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च 1/4 चम्मच, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। और आइए अब डालते हैं इसमें हम नमक, साथ ही में इसमें हम डाल लेते हैं मीठा सोडा। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। जब तक इसको मिक्स करते हैं, आइए हम कढ़ाई में तेल भी चढ़ा लेते हैं और तेल गरम कर लेते हैं। इसको अच्छे से हम मिला लें एक बारी। और इसको मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। और देखिए, मेरे पास भी ये मूली है, अब इसका हम ये हिस्सा निकाल लेते हैं। इस बॉल में इसको हम कस लेते हैं। तो इस तरह से हम पहले तो मूली के लच्छे निकाल लेते हैं। तो ये हम यहां पर रख लेते हैं मूली, और अब इसमें थोड़ा सा धनिया डलेगा। इसको हम रफली चॉप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फाइन चॉपिंग की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम इसको भी चॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया हम निकाल लेते हैं इसमें से और डाल लेते हैं इस मूली के अंदर। और अब बारी आती है इन लड्डुओं को बनाने की, यानी कि इनको फ्राई करने की। तो सबसे पहले हम अपने हाथ को थोड़ा सा पानी में डिप कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको हाथों से या फिर चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं। और छोटा छोटा पोर्शन लेके हम इसको गर्म तेल में छोड़ते जाएंगे इस तरह से। और जब लगे आपको ये हाथों से चिपकने जा रहा है तो आप थोड़ा सा पानी में फिर से डिप कर लें हाथ को, और इस तरह से छोटे छोटे मूंग दाल के लड्डू आप फ्राई कर लीजिए। हल्की आंच पर फ्राई करना है क्योंकि अंदर से इसको पकना जरूरी है। तो लीजिए जनाब, हमने इसको डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और जैसे ही ये बेसन के लड्डू अंदर से पूरी तरह पक जाएं और बाहर से एकदम से क्रिस्प हो जाएं और हल्का सा लाल हो जाएं, इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के। आइए इसे हम निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो हम सोक कर लें इस पेपर के ऊपर। हमारे ये मूंग दाल के लड्डू तो तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम परोस लेते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा कि गर्मा गर्म खाने का ही इसका मजा है। तो हम ले लेते हैं ये 3 लड्डू और इसमें डालते हैं। और अब बारी आती है इसके ऊपर जो हमने ये मूली का लच्छा तैयार किया उसको डालने की। अब इसमें हम डालेंगे नमक। आप चाहें तो नमक डालिए, वरना ना भी डालिए, क्योंकि नमक डालने के बाद मूली पानी छोड़ देती है, इसलिए कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं। और साथ में डाल लेते हैं चाट मसाला। बस ये सिंपल से इसके मसाले हैं। इसको एक बारी हम टॉस कर लेते हैं। और अब ये मूली का लच्छा हम थोड़ा सा इसके ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये हरी चटनी जो पुदीने की चटनी है। और हरी चटनी के साथ यदि आपके पास हो तो थोड़ी सी लाल चटनी भी, यानी कि इमली की जो चटनी होती है जिसे हम सौंठ की चटनी भी कहते हैं, वो भी इसके ऊपर हम डालेंगे। और इसका मज़ा तो गर्मा गर्म खाने का ही है। बस थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ धनिया इसके ऊपर रखें। अक्सर हम अपने खाने को मौसम के साथ एसोसिएट कर देखते हैं। अब देखिए ना, गर्मियों में हम कुछ ऐसी रेसिपीज बनाते हैं जो हमारे शरीर को तरोताज़ा रखें, और सर्दियों में बिल्कुल विपरीत, हम कुछ ऐसी रेसिपी ऐसे खाने बनाते हैं जो हमें गर्मी दे, जिनकी तासीर गर्म होती है। ऐसे ही कुछ हाल हमारे इस स्ट्रीट फूड की रेसिपी का है। आप देखिए ना, मूंग दाल के लड्डू और सर्दियों में मिलने वाली मूली,
अब मूली के अंदर कितना विटामिन सी और पोटेशियम होता है और साथ ही में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितनी यूजफुल है ये मूली। अब इस रेसिपी की बात हुई तो आइए इसका रिकैप भी देख लेते हैं। दाल के लड्डू बनाने के लिए एक कप भीगी हुई मूंग की दाल को ग्राइंडर में पीस लें, फिर एक बोल में इसको निकालकर इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस बनाए हुए मिक्सचर से छोटी छोटी गोलियां बनाकर गरम तेल की कढ़ाई में इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। और अब इन तैयार दाल के लड्डुओं को मूली के लच्छे, पुदीने की चटनी और इमली की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।